अपने से अलग नहीं मानता हूँ मैं, मेरे नाना जी वही रहते थे तो हनुमान पत्थर भी और झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, काफी प्रोड्यूसरों को प्रोत्साहन कर रहे हैं और इस फिल्म के माध्यम से सारे झारखंड के लोगों को ब्रेक मिल रहा है, काम मिल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय बात है और एक अच्छी फिल्म बन रही है और ये प्रयास चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, इन्होंने बहुत अच्छे गाने बनाए हैं, कल्याण जी भी एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने मुझे बुलाया आप लोगों के सामने, बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों से मिल के। अब झारखंड और बिहार के लोगों से मिलने के बाद खुशी नहीं होगी तो किसके साथ खुशी बांटेंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामना हमारे नौजवान निर्माता को और आप लोग आगे बढ़े और भी फिल्में बने और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बने, लेकिन इस बुजुर्ग कलाकार को भी बुलाते रहिएगा, एक लाख सौ फिल्म हो गई हमारे। आप दिल्ली जगह पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके नए नए जो आते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, गुदगुदाने वाले, उनका म्यूजिक पंकज जी ने बनाया था और ये सपना हम दोनों का तब से था कि हम इंडिविजुअल ये काम करें और शुरुआत करें और इस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार था हम सबको कि फिल्म बने और आप सब लोग के सामने आए। और जो एक्चुअल टैलेंट है पंकज जी का, ना सिर्फ म्यूजिक समझते हैं, ना सिर्फ स्क्रिप्ट समझते हैं, बल्कि बहुत खूबसूरती से किसी भी लिखी हुई बातों को एक सीन का रूप दे देते हैं, तो एक जबरदस्त टैलेंट ऑटोमेटिक इनमें अंदर बाय डिफॉल्ट है। और फिल्म तो अभी बनी है, झारखंड बिहार से जब अलग हुआ था सस्पेंस तभी से शुरू हो गया, फिल्म अभी आई है और झारखंड में मेरी भी एक फिल्म की शूटिंग हुई है, हर हर महादेव, जिसमें मेरे साथ रवि किशन जी हैं और एक बार फिर से भोजपुरी का दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें फिल्म का हीरो मैं भी हूँ, तो उसको भी सब्सिडी मिली है और इस फिल्म को भी सब्सिडी मिली है और ऐसी 22 फिल्मों को सब्सिडी मिली है। निश्चित रूप से राज्य गवर्नमेंट ऐसा बहुत जबरदस्त काम कर रही है कि हमारे मुंबई की इंडस्ट्री उठ के वहां पे जा रही है। अभी मेरे एक प्रोडक्शन हाउस की फिल्म की शूटिंग वहां चल रही है जिसको भी सब्सिडी मिली, तो बस इस मन से मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जिन जिनकी सब्सिडियां पास हुई हैं प्लीज वो चेक रिलीज कर दें, बड़ी जरूरत है। और खास करके जो अच्छे गाने होते हैं वो अगर बाहर नहीं लोगों तक नहीं पहुंच पाता है तो बड़ा दुख होता है एज एन आर्टिस्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी, ऑल द बेस्ट टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू हु इज प्रेजेंट हियर। मुझे ये इस गाने की लिरिक तो याद नहीं है, तो आई सिंग अनदर सॉन्ग ऑफ माइन, इनका गाया हुआ गाना लेके नहीं आता घर से शूट करके, नहीं बहुत अच्छा है और सर का डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, जहाँ पे मुझे फील मैंने हर चीजें टेबल पे मिली और शुभकामनाएं देता हूँ सर को और अपनी फिल्म को कि बहुत अच्छी बने, आगे चले, जो है हिट हो, सुपर डुपर हिट हो, वही सिंगल किया और आप लोगों को भी धन्यवाद, आप आए और बहुत बहुत काम जल्दी चिरागीनो फिल्म यारिया में आपने गाना देखा होगा, यारिया फिल्म थी, आज ब्लू है पानी पानी, सब इनका करा हुआ है, बहुत डांस करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं बच्चों से। मैं चाहूंगा मैडम आपसे दो शब्द, उसके बाद आप जो म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं उस बारे में कुछ कहें और फिर हम उसके बाद हम फिर ट्रेलर लॉन्च करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है Music
fresh and original compositions and music will instantly connect and draw listeners across all age groups. Okay. हाँ गिफ्ट लाए ये हम गिफ्ट हमारे फिल्म का ये म्यूजिक लॉन्च है तो खुशी है कि क्योंकि ये इस गाने को गाए हुए मुझे एक साल हो गया इस गाने को रिकॉर्ड किए हुए एंड आई फील वेरी हैप्पी कि अ फ्यू डेज बैक आई रिसीव्ड पंकज जी मैसेज कि ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है और गाने मतलब गाने हम लॉन्च कर रहे हैं म्यूज़िक लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी धूमधाम से कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई कुड अटेंड टुडे एंड बी अ पार्ट ऑफ द लॉन्च तो आई एम वेरी हैप्पी द सॉन्ग्स आर वेरी नाइस एंड द सॉन्ग्स हैव टर्नड आउट नाइस आज सारे गाने मुझे सुनने को मिले अंदर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी गाने पसंद आएगा जब आपने फर्स्ट टाइम ये गाना लिया था तो व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन दैट टाइम इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी आई वुड से क्योंकि एक सिंगर के लिए ड्रीम होता है कि हम हर रोज़ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके हमें एक अच्छा गाना मिले अच्छी मेलोडी गाने को मिले तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो यही ख्याल हमेशा चलता है कि मुझे आज जा रही हूँ काम पे तो अच्छा एक मेलोडी मुझे गाने को मिले तो माय डे विल बी मेड सो दिस इज़ अ गुड मेलोडी और हमेशा से मैंने देखा है अपने करियर के शुरुआत से जो अच्छे मेलोडियस गाने होते हैं वो ज़्यादा लोगों के दिलो दिमाग पे ज़्यादा मतलब असर उसका ज़्यादा होता है और ज़्यादा दिनों तक वैसे गाने उस तरह के गाने चलते भी हैं सो आई एम वेरी श्योर कि ये भी दिस इज़ वन ऑफ सच सॉन्ग्स एक गाना हो जाए कौन सा भी आपका जो गाना प्रेम रतन धन भाई वाला गाना हो जाए तो बहुत अच्छा okay. वैसे तो मतलब गाने तो काफ़ी है लेकिन एनी ऑफ माई सॉन्ग्स ओके आई सिंग अनदर सॉन्ग विच आई हैड डब्ड फॉर रहमान सर दैट्स फ्रॉम रांझना दैट्स माई फेवरेट सॉन्ग एक्चुअली ये फिल्म इलाका किशोरगंज मैं उस फिल्म का डायरेक्टर जे नूतन पंकज ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है और एक सब्जेक्ट ड्रिवन सिनेमा है और हमने ये कोशिश करी है कि ये फिल्म के माध्यम से झारखंड के खूबसूरत जो लोकेशंस है उसको दिखाया जाए और उससे भी बड़ी बात कि झारखंड के जो कलाकार हैं जो मेरे बगल में सीखा बैठी हुई है ये फिल्म की एक्ट्रेस है फिल्म की लीड हीरोइन है और ये रोहित आर के झारखंड का ये बहुत बड़ा एक्टर है वहाँ का और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी तो हमने वहाँ पे जा करके एक सस्पेंस थ्रिलर एक सब्जेक्ट ड्रिवन सिनेमा बनाने की कोशिश किया और ट्रेलर आपने देखा ये आपको आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आने वाले समय जब फिल्म रिलीज हो रही है 21 सितंबर को तो होपफुली लोगों को पसंद आएगा और हम इसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं म्यूजिक डायरेक्शन से डायरेक्टर करना कितना मतलब बड़ा स्टेप आप डेब्यू कर रहे हैं आप डायरेक्टर से तो कब आपको लगा कि हमें डायरेक्टर भी बन सकते हैं देखिए डायरेक्ट म्यूज़िक डायरेक्शन के बाद डायरेक्टर जो एक चीज़ होती है वो आप में कहीं कहीं इनबॉर्न होनी चाहिए आप में अंदर से आपको एक विजुलाइजेशन की एक इमेज क्रिएट करने की एक आपको अंदर से एक कॉम्पिटेंसी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टर ऐसे आप कैसे मैं सोचता हूँ इस सीन को मुझे कैसे दिखाना है इस सीन में मुझे गाने कैसे डालने हैं कहाँ शूट करना है ये एक नैसर्गिक चीज़ है जो भगवान की दया से मेरे में है और मैंने ऐसा सोचा कि मुझे उस पर आगे काम करना चाहिए इसलिए मैंने इस फिल्म को गाना देने के अलावा सोचा इसमें मैं डायरेक्शन भी करूं फिल्म क्या सच्ची घटना पर आधारित या कोई इलाके की रांची के इलाके फिल्म किशोरगंज एक रांची शहर का ये जो सब्जेक्ट जब मैंने लिया कुछ कुछ रियल घटनाओं से प्रभावित है और किशोरगंज आज से करीब 20-30 साल पहले रांची शहर का एक नोटोरियस एरिया होता था तो हमारे आपने ट्रेलर में देखा होगा आपको कुछ उसमें दिख रहा होगा कि उसमें फाइट मारपीट गुंडागर्दी और एक सस्पेंस है तो वो थोड़ी तो रियलिटी है ही है क्योंकि हमने शूट भी किशोरगंज में किया और आपको फिल्म में बाकी देखने को मिलेगा कि कैसे एक सस्पेंस जो है वो रिवेंज में बदलता है और पूरी फिल्म की स्वरूप क्लाइमेक्स में बदल जाती है रांची सर मैंने इसलिए चुना कि रांची एक वहाँ की सरकार जो है झारखंड सरकार किसी भी नए फिल्म मेकर और या पुराने हों उनको वो काफ़ी सहयोग और प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आएँ फिल्म बनाएं और हमारे यहाँ से उनकी फिल्म सब्सिडी एक नीति भी है जिसके तहत हमारी ये फिल्म पास है और रांची एज ए लोकेशन और रांची के आसपास जो लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है
आप लोग अगर कुछ लोग झारखंड से हैं तो उस चीज़ को मेरी बात को समझ पाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि और लोकेशन बड़े इजीली अवेलेबल हैं, लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, अच्छी लोकेशंस आपको इस तरह के लिए मुझे फिर दूसरे जगह जाना पड़ता जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता, और जब आपको वही चीज़ मिल रही हो तो आप बाहर क्यों जाएँ। मैंने झारखंड के रांची सिटी, पतरातु घाटी, रॉक गार्डन, जोना फॉल, खेलगांव, फिर हम धुरवा डैम और इस तरह की जो डिफरेंट लोकेशंस है जो झारखंड से वो उस रांची के आसपास करीब हम लोग 100-150 किलोमीटर के आसपास हम ट्रैवल करते रहे और हमने स्पॉट चुना। गाने आपने देखे बड़े खूबसूरत आपको लग रहे होंगे लोकेशन वाइज आई होप, तो वो रांची का ही, रांची के आसपास का एरिया का ही पार्ट है। सर जैसे आपने कहा कि स्टारकास्ट झारखंड का फिल्म, मतलब बनाने से पहले डिसाइड था कि स्टारकास्ट जो है झारखंड के ही होनी चाहिए या उसके बारे में बताइए। चूँकि मेरी कहानी की पृष्ठभूमि झारखंड किशोरगंज रांची का जो शहर का एक इलाका है वहाँ से है, तो मैंने सोचा इस फिल्म को न्याय दिलाने के लिए मुझे वहीं के कलाकार रखने पड़ेंगे जो इस फिल्म को एक अच्छा एक उसे एक रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं नए कलाकारों को और दूसरे ही मालिक यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ के कलाकार काफ़ी टैलेंटेड हैं, लोग आपने देखा होगा अभी, तो क्यों ना हम उनको एक अवसर एक मौका प्रदान करें, और फिल्म की कहानी के अनुसार ये जाता भी है। ये हम लोग अभी 200 से 250 ऐसे सिनेमा घरों में रिलीज करने के प्लान हैं, ऑल इंडिया रिलीज है बॉक्स ऑफिस 9 के द्वारा, और ये 21 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। सर के साथ वर्क करके जनरली बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्टिव, छोटी छोटी चीज़ों को सर ने बताया, एक्टिंग कैसे होता है, क्या होता है, देन हर चीज़ में सर ने हमें सपोर्ट किया, एक गार्जियन की तरह सपोर्ट किया, और हम झारखंड से हैं, झारखंड धोनी की वजह से फेमस हुआ है, एंड देन हमारी मूवी की वजह से भी अब फेमस होने वाला है, तो सर के साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। तो मैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, दिन काले होते हैं सर, जरा ये काली लग रही है आपको, ये गोरी तो है, काली नहीं है, गोरी है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए हो, और मेरा नाम रोहित आरके है, मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ, और मैं सच्ची बात बताता हूँ कि मैंने रेड ड्रैगन जो हमारी फिल्म की शूटिंग कैमरे से मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ सर के बदौलत, क्योंकि सर ने जब मुझे देखा और मुझसे जब बातें करी तो सर ने मुझे बोला कि नहीं आप ये कर सकते हो, आप में वो बात है, तब सर ने एक मेरा स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन टेस्ट लिया और 2-4 लाइनें मुझे एक्टिंग कराई, तो सर को बहुत अच्छा लगा, तब सर ने मुझे कास्ट करा, और फिर उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि एक समंदर होता है उसमें कई खजाने छुपे होते हैं लेकिन ढूंढ पाना मुश्किल होता है, मैं अपने आप को खजाना नहीं बोल रहा हूँ, मैं सर को बता रहा हूँ, सर बहुत बड़े समंदर हैं, आज उन्होंने हमें वहाँ से ढूंढ कर निकाला है, अब आप जो समझ लीजिए, तो सर की ये दिली दरिया है कि उन्होंने झारखंड में फिल्म बनाया, हमें ये मौका मिला है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि झारखंड रांची का मैं एक एक्टर हूँ, और वहाँ पे ना नागपुरी गाने चलते हैं, तो जितने नागपुरी गाने आते हैं तो जितने मेरे फैंस हैं वो वेट करते हैं, क्योंकि मैं 3 महीने में एक गाने बनाता हूँ, और हमारे नागपुरी चलते हैं, लाइक अभी मेरा बहुत बड़ा हिट रहा है दीवाना, आकाश टोरा ने कराया, तो वो हमारी टीम है, वो चलती है, हमारी फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पे, बिकॉज नागपुरी को भी बहुत नाम मिला, वो हमारे झारखंड का लोकल लैंग्वेज है, और सर ने नागपुरी टच मेरे गाने पे दिया है, मेरे इंट्रोडक्शन सॉन्ग पे दिया है सर ने, सर का कहना था कि नहीं झारखंड में है तो एक नागपुरी टोन या नागपुरी डांस होना चाहिए, yes. तो वो मैंने करा है, मेरे एंट्री सॉन्ग में आपको दिख जाएगा। मैं मतलब वो कहते हैं ना कि बचपन में हम लोग देखा करते थे कि अचानक से जिन आ जाता है और हम लोग विश मांग लेते हैं, तो सर मेरे लिए वो जिन थे, और हम लोग ने रब करा और जिन सर निकले पंकज सर, और हमें मिल गया हिंदी बॉलीवुड फिल्म। ये बहुत बड़ी बात होती है, झारखंड से मैं वो लड़का हूँ जो बहुत नीचे से इस सफर को तय करा है, और सर ने आज यहाँ लाके बैठा दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप दोनों से एक सवाल है कि अभी आप यहाँ तक तो आगे आगे का क्या सोचा है, बिल्कुल जब यहाँ तो यहाँ तक पहुँचा
आगे भी इसी लाइन में जाना है और आगे भी सर का साथ हमारे साथ तो रहेगा ही। अभी जब इस लाइन में आ चुकी हूँ तो आगे कदम बढ़ाना ही है। आगे की कोशिश ये है कि हमारी फिल्म बहुत बड़ी। सर झारखंड आओ, आपको झारखंड से बहुत शिकायतें हैं मुझे। नहीं नहीं, मैं बताना चाहूँगा, मैं आपकी बातों के भी जवाब देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आगे का एक्सपेक्टेशन मेरा ये है कि हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, भगवान करे, और होगी। और ये जब हिट करेगी तो लोगों की नज़र जाएगी हम पर भी, और झारखंड के लोग काले गोरे सफ़ेद सब तरह के होते हैं, बिकॉज वहाँ माइंस भी मिलता है, वहाँ कोयला का भी है फैक्ट्री, और घने जंगल भी घने जंगल है, वातावरण है। और झारखंड में सबसे एक बहुत अच्छी बात है कि आपको रांची झारखंड के लोकेशन और वहाँ के वेदर इतने सुपर्ब मिलेंगे कि आप मतलब जाओगे तो रिलैक्स हो जाओगे, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। जो भी आपकी शिकायतें हैं जो आपने बोला वो दूर हो जाएंगी। प्रमोशंस के लिए हम आज शाम से ही, जैसे हमारा ये अभी रेड रिबन पे एक गाना लॉन्च हो गया है, प्रमोशन के लिए हम खासकर जो झारखंड और उससे रिलेटेड, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, और दिल्ली है, बॉम्बे के कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हम एक हमारी प्लानिंग है जो हम बॉक्स ऑफिस 9 जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ कर रहे हैं, और एक आपको मिलेगा प्रमोशन, उसमें देखने को मिलेगा। ज़रूर से, आज बहुत खुशी की बात है कि रेड रिबन इज़ बीन पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट मूवी एंड ऑफ कोर्स अ वंडरफुल म्यूज़िक। बहुत अच्छा पंकज जी ने म्यूज़िक दिया है, डायरेक्शन किया है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे वॉइसेस इंडस्ट्री के, देवनागरी, अन्वेषा, अतुल जी, अल्ताफ सैयद, सबको बहुत अच्छे गाने। इट्स रोमांटिक, इसमें पॉप भी है, हर अलग अलग मूड जो लिया है, और उसके जो ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी है, बहुत अच्छे लोकेशंस पे शूट किया है, तो ऐसे म्यूज़िक लेवल बहुत अच्छा लगता है टू पुश ऑल द म्यूज़िक। और हर जगह पे हम लोग एक एक कर रहे हैं, जैसे आज के दिन में हमने ट्रेलर रिलीज़ किया है एक गाना, ऐसे एक एक गाना हम लोग थोड़े थोड़े समय पे रिलीज़ करेंगे, और आप हर जगह, हर म्यूज़िकल ऐप में सावन गाना, रागा, आईट्यून्स, हर जगह आप सुन पाएंगे और यूट्यूब में देख पाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब उसको देखें और शेयर करें, और बहुत अच्छा संगीत है, बहुत लुभाने वाली उसकी मेलोडीज़ है, तो आप, मैं बहुत विनती करती हूँ कि बहुत बहुत आप उसको शेयर कीजिए, बिकॉज समथिंग टू रियली एंजॉय एंड चेरिश। ओके सर, आप कुछ बताना चाहेंगे फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, हाउ कैसा रहेगी, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ट्रेलर लॉन्च होना और म्यूज़िक लॉन्च होना, ये अपने आप में एक लग रहा है कि जैसे अब हमारी मूवी कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्दी पर्दे पर आ रही है। उसमें साथ दे रहे हैं हमारी म्यूज़िक लॉन्च करने में रेड रिबन, और मूवी लॉन्च करने में बॉक्स ऑफिस 9। एज ए प्रोड्यूसर ऐसा लगता है कि अब हमारा जो सारा चीज़ है वो पर्दे पे दिखेगा और पब्लिक पसंद करेगी। जब आपने ये फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा, तब व्हाट वाज योर रिएक्शन, आपको लगा कि हाँ ये फिल्म करनी चाहिए, फिल्म का नाम है कैसा है कि इलाका किशोरगंज। किशोरगंज नाम सुनते ही अंदर में कुछ कुछ होने लगता है, क्यों मेरी ससुराल भी किशोरगंज में है। मेरी वाइफ किशोरगंज की है, तो लगा कि हाँ भाई ठीक है, वाइफ को इससे अच्छा तोहफा देने के लिए और क्या हो सकता है। फिर लगा कि झारखंड सरकार की जो नीति आई है उस पर भी विचार गया कि हाँ ठीक है, झारखंड सरकार जो काम कर रही है इस पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमको सपोर्ट कर रही है। फिर झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो लगा कि भाई बिहार के अलग होने के बाद में झारखंड में इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, उसको किस तरह से पब्लिक के बीच में प्लेस किया जाए, दिखाया जाए, तो मूवी से अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा शूटिंग में देखिए बहुत तरह की बातें होती रहती हैं। कभी कोई वार्ड बॉय बोलता है कि मेरे को खाना नहीं मिला, तो एक आदमी खाना लाने के लिए दौड़ रहा है। बहुत सारी देखिए तकलीफ आती है, लेकिन वो तकलीफ को अब देखते हुए लग रहा है कि नहीं, अब हम हैप्पी हैं, खुश हैं। और मैं इनके लिए वो ही कहना चाहूँगी कि बींग
a producer, he could have chosen any people from any city, any state, पर वो ही अपने ही state में से और इतने अलग अलग जो नमूने जो एक diamonds अलग अलग तरह से उन्होंने choose किए हैं उसके लिए उनको salute करना चाहती हूँ कि इतने अच्छे star cards और music composer, director सब उन्होंने अपने जहाँ आजू बाजू में से locations भी कह रहे थे कि it is within 10-15 kilometers तो इतने अच्छी locations भी उन्होंने choose की है तो बहुत बिरदाने लायक है जी प्रिया जी सर आप बताइए ट्रेलर और म्यूजिक देखा आपने कैसा लगा नहीं मैं इस फिल्म में तो कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा हूँ एज एन एक्टर बट फिल्म की शुरुआत से मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि जब पंकज जी इसके स्क्रिप्ट को तैयार कर रहे थे इसकी कहानी को तैयार कर रहे थे जब साहब को ढूंढा जा रहा था लोकेशंस के बारे में बात होती थी कि फिल्म कैसे पूरी करनी है क्या करेंगे कैसे ये बन पाएगी ये पटल पे कैसे आ पाएगी लोगों तक कैसे पहुंचोगी मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ और इसलिए ये मोमेंट मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में बिना सपनों के नहीं जीता और जब उसके सपने साकार होते हैं तो उसके चेहरों पे जो चमक होती है उतनी ही चमक उस सपनों को साथ देखने वाले लोगों को भी होती है ये एक बहुत खूबसूरत पहल है जैसा सर ने बताया कि बिहार को तो सब जानते थे पर जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में क्या तो निश्चित रूप से इसको दिखाने के लिए एक फिल्म सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया जरिया होता है आपने ट्रेलर देखा अभी इतनी खूबसूरत लोकेशंस और इतनी सारे ड्रेसेस चेंज हैं वो चूँकि मैं एक टेक्निकल हैंड से भी बता रहा हूँ आपको एक वो छोटा सा सीन आपको देखने में हमारी कितनी तैयारियाँ होती हैं कितने प्रिपरेशन होते हैं और फिर जब आपका एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन 18 किलोमीटर दूर हो तो फिर एक पूरा दिन भी जा सकता है आपका एक सीन शूट करने में तो ये कॉस्टिंग बढ़ती है एक रीजनल फिल्म के लिए उसके बावजूद आप वो तमाम लोकेशंस इस फिल्म में देख पा रहे हैं तो ये एक पहले ही कामयाबी है कि आपने जो सोचा वो कर दिखाया तमाम कठिनाइयों के बावजूद सर आपकी फिल्मों की बात करें तो कोई आने वाला प्रोजेक्ट इस तरह है मेरी एक फिल्म है हर हर महादेव आ रही है जिसमें मैं रवि किशन हम दोनों हीरो हैं रांची में ही शूट हो रही है इसको और एक फिल्म है हमारी भौजी विधाता जिसकी शूटिंग शायद पहली बार शिमला और मनाली में हुई है पूरी फिल्म की शूटिंग वहाँ हुई है और कुछ पार्ट्स हमने दिल्ली नोएडा NCR वगैरह में भी शूट किया है तो ये एक दो फिल्में हैं हमारी आ रही है इसके अलावा मैं यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा हूँ आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के मेरे वीडियोस आते रहते हैं लोग पसंद करते हैं तो वो चल रहा है देश विदेश में स्टेज शो चल रहे हैं तमाम चीज़ें पर बेटर होगा कि हम इस फिल्म और फिल्म से रिलेटेड चीज़ें बात करें मेरी इंडिविजुअल बात करेंगे तो फिर कभी आप सपोर्ट रहा है पूरी फिल्म में खाने का डब्बा बना बना के भेजती थी जब हम लोग लोकेशन पे जहाँ शूट होता था और आप झारखंड से हैं और रुपेश जी का आप समझ सकते हैं एज ए वाइफ और मेरी वाइफ हम लोग का खैर हम दोनों तो टेक्निकली जुड़े हुए हैं फिल्म से लेकिन उनका मोरल सपोर्ट बहुत रहा है रुपेश जी और रुपेश जी की वाइफ का बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी और ला रही है जो यहाँ तालियाँ बज रही थी वो बता रही हैं कि आगे भी जो ये मेहनत इसमें इस फिल्म में हुई है वो काफ़ी रंग लाएगी ये मेरा ही इलाका है किशोरगंज मेरा मायका है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये जान करके वो मेरा ही इलाका से बन रहा है और वो घटना मैं वहाँ जान चुकी हूँ वहाँ देख चुकी हूँ वो काफ़ी पुराना इलाका है किशोरगंज काफ़ी लंबा पड़ता है उधर से वो पूरा पहाड़ी इलाका वगैरह सब दिखता है तो किशोरगंज बहुत पुराना इलाका है तो उधर में थोड़ा क्राइम वगैरह ज़्यादा है क्राइम ज़्यादा उसी में से तो डायमंड ढूंढ के निकाले ना क्राइम के साथ साथ वहाँ के जो खूबसूरत वादियाँ हैं तो वो भी लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं इसीलिए तो वहाँ से डायमंड ढूंढ के निकाले और उसका नाम रखे इलाका किशोरगंज और झारखंड की खूबसूरत वादियों के आपके सामने में पेश किया ओके मैम आपने जब ट्रेलर देखा
तो कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से आप, जैसे आप जानते हो इस इलाके के बारे में पूरी तरह से, तो कुछ आपने फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा रहेगा तो आपने कुछ बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने बताया? नहीं, पिक्चर तो देखिए काफ़ी अच्छी बनी है, जिस तरह से बननी चाहिए उस तरह से वो काफ़ी अच्छी है। वो बाकी तो आप डिसाइड कीजिएगा, बाकी आप डिसाइड कीजिएगा किस टाइप आपको कैसी लगी। चलिए वहाँ के विलन के बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत। विलन के बारे में बताइए, वहाँ विलन के बारे में। विलन टोनी और राजा ये आज से करीबन 20-25 साल पहले जब वो इलाका था किशोरगंज, तो किशोरगंज में कुछ होते थे उस टाइप के क्राइम्स, उसी पे ही आधारित है मूवी। और जो वहाँ पे क्रिमिनल्स हुआ करते थे तो उसी को ला करके भाई ऐसा भी रांची हुआ करता था और आज रांची कैसा है झारखंड अलग। आप कभी मिले? नहीं, मैं तो नहीं मिला क्योंकि 20 साल पहले मैं बहुत छोटा था इसलिए नहीं मिला। पूरी लाइफ की जो सख्त जर्नी रही है म्यूज़िक का या मेरे लिखने का या मेरे डायरेक्शन का, मेरे घर के जो सपोर्ट होते हैं, मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पे उनकी देखभाल, ऑफकोर्स यू नो एज इट इज़ सेड कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो हमारी लेडी ये हैं और रुपेश जी की लेडी वहाँ बैठी हुई हैं। और हम लोगों ने फिल्म बनाई, एक प्रयास करा और आप सब लोगों ने देखा, तो ये इन लोग के बिना संभव नहीं। आई होप हम सबको आगे भी हम फिल्म बनाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा दिन गाने कितने हैं? दो आइटम सॉन्ग है, दो रोमांटिक सॉन्ग है, एक हीरो की एंट्री सॉन्ग है और एक सैड सॉन्ग है जो नूतन जी ने ही गाए हैं और वो आपको देखने को मिलेगा जब 21 सितंबर को फिल्म रिलीज होती है। देव नेगी, अन्वेषा आई हुई थी अभी, अमित गुप्ता आया हुआ था, दीपाली साठे और अल्ताफ सैयद ने गाया है और एक स्वाति शर्मा जो बन्नो तेरी जो तनु वेट्स मनु रिटर्न की जो सिंगर जो फेमस हुई वो स्वाति शर्मा ने मेरे दोनों आइटम सॉन्ग गाए हैं। और नूतन ने जैसा मैंने बताया एक सैड सॉन्ग है, वो क्लासिकल है, तो ये इनका बेस क्लासिकल है तो एक क्लासिकल सॉन्ग हमने करा है। झारखंड रांची शहर में रहती हैं और एक अनाथ बच्चे का एक कैरेक्टर है हमारे फिल्म में, वो बेबी कृति ने किया है, बैठी हुई मुस्का रही है, ये फूल बेच के लोगों को अपना एक कैरेक्टर है जिसको बड़े अच्छे से इसने निभाया। और जो मेरे सबसे लेफ्ट में बैठा हुआ है वो रुपेश शरण पहाड़ी, ये भी रांची का है लेकिन रहता है यहाँ बॉम्बे में है और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, वो राजा के दोस्त का, वो इसने किया है। ये ही इज़ ए थिएटर आर्टिस्ट, काफ़ी अच्छा काम करता है और ये फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में, इनको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था मैडम आपका, आप सबसे पहले आप बताएं इलाका की शोभा करने के बारे में। जी, इस फिल्म को करने में तो काफ़ी अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं तो एक झारखंड की एक कलाकार थी, जो मुझे काम करने का मौका मिला, जो हमारे प्रोड्यूसर सर और हमारे पंकज सर डायरेक्टर सर ने इस फिल्म को काम करने का मौका हम लोगों को दिया है, इसके लिए हम लोग तो बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस फिल्म में काम करने का बहुत एक आनंद महसूस हुआ, लगा कि झारखंड के कलाकारों को ये बोलने का और अपने हुनर को दिखाने का हम लोगों को मौका दिया जा रहा है कि आगे भी हम लोग बढ़ चढ़ कर और बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी काम कर सकते हैं। बस यही सब हम लोगों की बहुत एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस फिल्म को देखें, सभी लोग देखें और झारखंड के कलाकारों को प्रोत्साहन दें कि अच्छे से अच्छे एक किरदार निभाने का दोबारा कभी हम लोगों को भी मौका मिले और आगे भी काम करते रहें। मेरी पहली मूवी थी, सो कुछ हिचकिचाहट टाइप का लग रहा था, लेकिन जब मैं सेट पर गई तो लगा कि एवरीथिंग इज़ लाइक मैं अलोन फील नहीं कर रही थी वहाँ पर, सब लाइक मुझे सब प्यार दे रहे थे और वहाँ सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सो कृति, आपने कहा कि थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी शुरू में, जब हम सब कैमरा फेस करते हैं तो थोड़ी सी होती भी, हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपके जो डायरेक्टर साहब थे, बाकी जो आपके को आर्टिस्ट रहे होंगे जो सीनियर एक्टर्स थे, उनसे कितना कोऑपरेशन मिला, उन्होंने कितना सिखाया आपको या किस तरह से आपके साथ पेश आए वो? मम्मा शिखा दी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और डैड ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सब ने कहा कि तुम कर सकती हो, सो कुछ ऐसा नहीं लगा। तो जब मैं फेस करी थी कैमरे को तो लग रहा था कि कुछ तो हो नहीं रहा है, बट जस्ट मुझे एक्ट करना है, मैं लाइक फील कर रही थी कि मुझे कैरेक्टर के अंदर जाना है। सो
कुछ डायलॉग याद है कोई आपको फिल्म का या सिचुएशन का? फूल वाले, फूल वाले याद होगी, हम सुनना चाहेंगे आपसे। मैडम मैडम एक फूल ले लो मैडम, सिर्फ एक फूल ले लो मैडम, मैडम सिर्फ 10 रुपए का है मैडम, सिर्फ एक फूल ले लो मैडम। ये लो 10 रुपए। अब आगे का डायलॉग ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये लो 10 रुपए, आगे बोलो, अगर और 10 रुपए ले लो और स्कूल चले जाना। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मैं यहाँ होती क्या? रुपेश कुमार चरणपाड़ी, मैं पिछले 7 सालों से मतलब मुंबई में हूँ, मैं 7 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ थिएटर में, और मैं 75 शोज से ऊपर कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 15 प्लेज कर चुका हूँ। ये मेरी मतलब पहली मूवी थी जो एज अ मतलब कैमरा में मैं फेस करके मैं किया, सो थोड़ा सा स्टार्टिंग में नर्वस था, लेकिन फर्स्ट डे क्योंकि थिएटर में हम लोग थोड़ा लाउड रहते हैं और यहाँ पर क्या है कि आपका वॉइस थोड़ा मतलब नॉर्मल रखना और वो एक्शन रिएक्शंस थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है ताकि थोड़ा ओवर ना लगे या कुछ ऐसा मतलब ना लगे कि मतलब कुछ ओवर एक्ट हो रहा है या बहुत ही बकवास है, तो वो चीज़ मेंटेन करके बहुत थोड़ा सा नर्वस था फर्स्ट डे। सेकंड डे थोड़ा सा नर्वस रहा लेकिन फिर स्टार्टिंग अपना मतलब फ्लो में फिर चलता रहा। शूट करने के बाद मज़ा आया कि नहीं? शूट करने के बाद काफ़ी मज़ा आया, फिर काफ़ी मिस भी करता हूँ क्योंकि शूट का मज़ा एक अलग होता है और थिएटर में आप कोई कैरेक्टर करो तो उसमें एकदम चले जाओ, फ्लो में चलते रहो जैसे किसी और दुनिया में हो। शूट तो ऑब्वियस है, सभी को मज़ा आता है। थैंक यू। हो रही है और बॉक्स ऑफिस 9 से हमारे बीच निशांत जी रंजन हमारे पास हैं जो बॉक्स ऑफिस 9 के क्रिएटिव हेड हैं और सीईओ हैं। आप फिल्म के बारे में इनसे पूछ सकते हैं और ये ऑल इंडिया रिलीज़ करने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, इनको फिल्म काफ़ी पसंद आई। बाकी आप बताएं, आपने जब फिल्म देखी होगी लाका किशोर, आपको क्या ऐसी चीज़ लगी जिससे आपने लगा कि भाई मैं इसको रिलीज़ करने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाऊंगा? आप लोगों ने रॉडी राठौर देखी होगी? यस, ये दूसरी रॉडी राठौर है। अच्छा, दूसरी रॉडी। जब मैंने इस फिल्म को देखी तो सबसे पहले आमतौर पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट हाउस होता है वो पूछता है कि भाई एक्टर कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है ताकि उसको ये रहता है कि मैं अगर रिलीज करूँगा तो मेरी रिकवरी कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि सर आप एक बार फिल्म देख लो, उसके बाद आपको पसंद आएगा तो ठीक है। तो मैं फिल्म देखा तो मुझे पूरी फिल्म में थ्रू आउट पूरी फिल्म एक भी फ्रेम ऐसा नहीं लगा जहाँ मुझे ये लगा कि नहीं यार ये एक्टर नहीं होना चाहिए था। इसका जो हीरो है आरके है उसने जो परफॉर्मेंस दिया है उसने कमाल का किया। मतलब वो एक फिल्म आई थी मिथुन दा की मृग्या, आपको वो याद आ जाएगी, तो कमाल का परफॉर्मेंस उसने किया है और बहुत अच्छा। तो मुझे लगा कि नहीं ये फिल्म हम लोग को रिलीज करनी चाहिए क्योंकि बिना एक्टर के भी फिल्म अगर आपकी अगर रिलीज नहीं होगी, जो बिना एक्टर का अगर स्टार नहीं है, तो फिर नए प्रोड्यूसर और नए डायरेक्टर को मौका कैसे मिलेगा। तो मुझे लगा कि नहीं ये मतलब बेस्ट फिल्म है जो हमें रिलीज करनी चाहिए। बेस्ट फिल्म कर रहे हैं, जरा स्क्रीन के बारे में बताइए। ऑल ओवर इंडिया हम लोग रिलीज कर रहे हैं, हाँ, तो एटलीस्ट 250 थिएटर तो हम लोग का है कि इतना करेंगे। और डेट के बारे में क्या है कि हम लोग थोड़ा सा और आगे पीछे की फिल्म पे थोड़ा सा इस पे हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी है तो हम नहीं चाहते कि किसी का क्लैश कर जाए कि कोई बड़ी फिल्म आ जाए, तो थोड़ा सा उस पे वर्कआउट कर रहे हैं। 21 सितंबर रहना है, हाँ वो तो हम लोग हैं, लेकिन अभी इस पे 21 सितंबर जो है हम लोग का डिसाइड है, लेकिन फिर भी हम उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।